तो देखो, अगर तुम एक आलसी इंसान हो और कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमाना चाहते हो तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए ही है। पड़े पड़े सोते रहते हो और फिर अचानक से मन में ख्याल आया कि अरे कंटेंट बना लेता हूँ यूट्यूब के लिए और यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ और फिर पैसा कमा लेता हूँ। पर तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, तुमको ज़रा भी मेहनत करनी नहीं है, तो आज की वीडियो में उसी का सोल्यूशन है। तो देखो, सबसे पहले आपको आ जाना है V.io पे। इसका नाम तो आपने सुना ही हुआ, अब काम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक एंटर कर देता हूँ ट्रैवल, उसके बाद मैं जनरेट वीडियो पे क्लिक करूँगा और लो हलवा की तरह वीडियो जनरेट होके आ गई। ये बात केवल आलसी लोगों के लिए ही है। जो आलसी हैं वही इस तरह से वीडियो जनरेट करें, और जो थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा और काम कर लेना तो और अच्छी वीडियो लगने लगेगी। तो अभी के लिए वीडियो जनरेट होने देते हैं। फिर ओपन इन एडिटर पर क्लिक करना है, या आप वीडियो पे भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको अगर इनमें से कोई भी क्लिप पसंद ना आए तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हो। Unlocking a treasure chest of experiences. From the bustling streets of Tokyo to the... तो जैसे मेरे को ये वाली क्लिप रिप्लेस करनी है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे जैसे ये प्रो वाली आप मत लेना, जो प्रो नहीं है जिस पे टिक नहीं है ये प्रो वाला वही वाली लेना। तो अभी फिलहाल में मेरे को ये वाली शो हो रही है तो मैंने इस वाली पे क्लिक कर दिया और ये वाली ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो इसका साइज बड़ा है, ये ऑडियो से लंबी हो गई, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा और सिंपली यहाँ पे कैच चला दूंगा, स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इस तरह से ये हो जाएगी। अब देखो, अब मेरा ये कैप्शन है वो थोड़ा सा छोटा है, मेरे को इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं स्टाइल देख लेता हूँ कौन सा सही रहेगा। जो भी आपको स्टाइल रखना हो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिलहाल में मैं अभी चेक कर लेता हूँ, जो मुझे सूट करेगा मैं वो वाला रख लूँगा। तो मेरे को ये वाला ठीक लग रहा है। उसके बाद में मैं इमेज फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा करूँगा, फॉन्ट भी चेंज करूँगा, 96 ठीक रहेगा, तो मैं 96 कर लेता हूँ। उसके बाद में अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और जो भी चेंज करना चाहते हो आप बेसिकली कर सकते हो। तो अभी मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया है, उसके बाद में और बाकी कुछ चेंज करने वाला नहीं, इतना काफ़ी है और वीडियो भी अच्छी लगेगी। तो चलो अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देखो इस तरह से, उसके बाद में डन पे क्लिक करना है। अब फिर यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना और ये डाउनलोड कर लेना। अब दूसरे तरीके के लिए आपको आना है Light.io पे, और यहाँ पे आने के बाद में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, आप लॉगिन या साइन अप वगैरह कर लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पे अवतार लाइब्रेरी में आ जाना, और जो भी अवतार आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अवतार वाली वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे मुझे इसका बड़ा लग रहा है, मतलब ये ठीक लग रहा है, तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर आऊँगा वीडियोज़ में, और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड में वीडियो डालूंगा। जैसे मैं अभी एक शेयर मार्केट पे वीडियो बना रहा हूँ ये वाले, तो शेयर मार्केट का यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ। अब जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मेरे को अकाउंटिंग वाली ही ठीक है, शेयर मार्केट में नंबर ज़्यादा होते हैं, तो मैं ये वाली ले लेता हूँ। इसको अप्लाई बैकग्राउंड पर क्लिक करूँगा और ये इस तरह से हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ से कस्टम अवतार भी चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे वॉइस में आपको हर तरीके की वॉइस मिल जाएगी, बंगाली, रसियन, चाइनीज, जो भी आपको चाहिए, गुजराती से लेके हिंदी तक। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। अब जैसे मैंने वॉइस तो अपलोड की नहीं है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा ChatGPT पे और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जनरेट करवा लूँगा शेयर मार्केट के बारे में। तो मैं वही यहाँ पे टेक्स्ट लगा दूँगा और टेक्स्ट टू स्पीच वाली हो जाएगी। आप चाहो तो वॉइस भी जनरेट कर सकते हो और नो वॉइस की वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। तो अभी मैंने ये शेयर मार्केट पर स्पीच जनरेट कर ली है। अब ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मुझे इसे समराइज़ करना है, छोटा करना है, ताकि इतनी लंबी वीडियो तो है नहीं, तो मैं इसको छोटा करवा लेता हूँ इसी से। तो अब ये ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा और वहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे पेस्ट कर देना, फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट एंटर पे क्लिक करना है। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसे ही ये रेडी हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वॉच नाउ पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, या आप देखना चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल में मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ।